अस्सलाम वालेकुम, माय नेम जावेद इकबाल एवान। अभी रिसेंटली जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने रिकॉर्ड को फैच करवाना सिखाया था लिंक टू एसक्यूएल के थ्रू, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और अब आज हम भी हम जो है अपडेट और डिलीट का एक्शन करेंगे, उसी सर्च के आगे हम प्रोसेस करते हुए अपडेट और डिलीट का काम करेंगे। तो मैं अपडेट के लिए बटन प्रेस कर बना लेता हूँ। अब ऑलरेडी हमारा रिकॉर्ड अब सर्च हो चुका है। अब जैसे हम सर्च का बटन प्रेस करते हैं तो एक नया फॉर्म खुलता है और वहाँ से जो डेटा हम सेलेक्ट करते हैं वहाँ से डेटा हमारे पास इन टेक बॉक्सेस में आ जाएगा। तो अब हम जो है वो अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए आप यहाँ देखिए हमारे पास दो काम करने हैं। पहला काम तो हमारा ये है कि हमने रिकॉर्ड को फैच भी करवाने, यानी वेयर का क्लाउज भी लगाना है। हमें कहते हैं मालूम है कि नॉर्मली जब हम क्यूरी लगाते हैं अपडेट की, तो उसमें हम अपडेट करते हैं अपने वन बाई वन अपने तमाम कंट्रोल्स को बताते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आएगी, और डेटाबेस के टेबल के कॉलम बताते हैं कि कहाँ पे इसको जो है वैल्यू चेंज करनी है। और फिर हम वेयर का क्लाउज लगाते हैं और बताते हैं कि कौन सी रो पे इफेक्ट करेगा ना। तो अब वही काम हमें यहाँ पर देखिए डबलिंग करनी है। अगर मैं ये वाला कोड इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ तो मैं चलो रिकॉर्ड तो फेच करके उसको मैं फ़िल्टर तो कर लूँगा, वेयर का क्लाउज मैं यहाँ लगा दूंगा, लेकिन मुझे अब उसको अपडेट भी करना है। तो फिर अब मैं यहाँ पे दो काम एक साथ करूँगा। दो काम एक साथ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं अपने टीबी रेस्टोरेंट की क्लास पर जाऊँगा और इस क्लास की यानी जो हमारी एंटिटीज है, ये एंटिटीज वाली क्लास है, लेयर वाली क्लास नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए टीबी स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है। अगर मैं स्टूडेंट्स में जाऊंगा तो वो लेयर बन जाएगी, यानी जो डेटा बेस तक मुझे पहुँचाएगी, लेकिन मैं एंटिटी वाली क्लास में जा रहा हूँ और उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी मेथड बने हुए हैं जिसमें गेट और सेट लगा हुआ है। इसको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैं लेयर वाली क्लास के उठाने के लिए एस के जरिए से मैं टी वेयर स्टूडेंट्स लूँगा, यानी लेयर की क्लास में लगाएंगे और यहाँ पर हम वेयर का क्लाउज लगाएंगे। और इसके लिए हम जो है बल्कि वेयर के क्लाउज से पहले हम यहाँ पर एक मेथड होता है सिंगल और डिफॉल्ट का, वो हम लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। और यूज़ करने के बाद इसी के आर्गूमेंट पे आके मैं यहाँ पे जो है वो लैम्डा एक्सप्रेशन पास कर देते हैं। उसके लिए हमने जैसे कोई भी वेरिएबल ले लिया और लैम्डा एक्सप्रेशन लगा के मैं यहाँ पे मैच करता हूँ ए डॉट, अब मेरे पास यूनिक फील्ड है आर नंबर, मैं आर नंबर से इसको मैच करता हूँ और डॉट इक्वल्स, और इसको हम मैच कर लेंगे अपने टेक्सबॉक्स से जिसका नाम हमने रखा टी एक्स सी आर नंबर डॉट टेक्स्ट। इस तरीके से अब देखिए यहाँ मैंने दो काम किए, एक तो रिकॉर्ड को मैंने जो है वो अपनी एंटिटीज़ भी ली और वहाँ से जो है वो मैंने उसके भी ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि मुझे एंटिटीज़ को रेफरेंस देना पड़ेगा जब हम सबमिट करेंगे तो उसमें एंटिटीज़ का रेफरेंस देना पड़ेगा, तो वो भी हमने यहाँ पास कर दिया। और साथ में मैंने यहाँ पर अपने लेयर के थ्रू आके सिंगल और डिफॉल्ट का मेथड लेके, यानी यूनिक रो को वो सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन दे के मैंने अपने कंट्रोल से इसको फिल्टर यानी बाइंड भी कर दिया। अब हमें जैसे अपडेट करते हैं हमें बताना पड़ता है कि कौन से कंट्रोल से वैल्यू जानी है और किस टेक्सबॉक्स से डेटाबेस से किस कॉलम में जाके उसने चेंज करना है। तो मैं एंटिटीज के थ्रू उसके कॉलम को उठाता हूँ, मैंने कहा टी एस टी डॉट एस नेम, इसको मैं वैल्यू उठाता हूँ इक्वल टू कहाँ से उठा लेगा, हमने कहा टी एक्स टी एस टी एक्स टी नेम डॉट टेक्स से, यानी टी एक्स टी नेम में जो मैं लिखा होगा वो टेबल के अंदर एस नेम के जो कॉलम है वहाँ पर जाके उसको उसमें अपडेट कर देगा। इसी तरह से हमने जो दूसरा कॉलम था एस नेम था, इसको मैं देता हूँ अपने कंट्रोल दूसरे टी एस टी एफ नेम डॉट टेक्स्ट, यानी एफ नेम में जो लिखूँगा वो टेबल के अंदर इस कॉलम में जाएगा और वहाँ जाके चेंज कर देगा। इस तरीके से हमारे पास जो है वो बाकी जो हमारे पास डेट ऑफ बर्थ अगर हम देना चाहें अपडेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, एड्रेस देना चाहें तो हमने कहा टी डॉट एड्रेस एस एड्रेस, और ये कहाँ से उठाएगा टी एक्स टी एड्रेस डॉट टेक्स्ट से। और अगर मैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह और डेट ऑफ एडमिशन को भी चेंज करना चाहता हूँ तो फिर उस पर उसी हमने कहा टी डॉट टी ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, ये वैल्यू उठाएगा, हमें कास्ट करना पड़ेगा, हमने कहा डेट टाइम डॉट पार्स, और हम यहाँ दे देंगे टी डी टी डेट ऑफ एडमिशन डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ से उसको कास्ट कर देगा। फिर इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ के लिए भी करेंगे और यहाँ भी हम कास्ट करेंगे, और यहाँ मैं दे दूँगा डी टी डेट ऑफ बर्थ डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी।
तो सर मतलब अब मैंने बता दिया कि कौन सी वैल्यू लेनी है और डेटाबेस के अंदर किस कॉलम में जाके वहाँ जाके इसको चेंज करना है, ये रेफरेंस दे दिया। अब हमारे पास बेसिकली लिंक टू एसक्यूएल में अपडेट के लिए कोई मेथड नहीं है, तो इसलिए हमें ये हायरार्की सारी बनानी पड़ी, हमें यहाँ पे एंटिटीज भी पास करनी पड़ेगी और साथ में हमें जो है वो वेयर का क्लाउज भी लगाना पड़ा। अब मैं डायरेक्टली सबमिट करूँगा तो एस डॉट सबमिट चेंजेस का हमारा मेथड होता है जो हमें मालूम है कमिट करता, हम पहले भी इसको यूज़ कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और इसके साथ ही फिर हम यहाँ पे जो है मैसेज पास कर लेते हैं, हमने कहा मैसेज बॉक्स डॉट शो, हमने कहा रिकॉर्ड अपडेटेड, और जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था वॉइड मेथड बनाया था जिसमें मैंने ग्रिड को फिल कराया था, तो उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं उस फंक्शन को, फिल ग्रिड के नाम से मैंने फंक्शन बनाया था, वॉइड फंक्शन था। तो अब जैसे अपडेट हो जाएगा मैसेज आ जाएगा और हमारे पास जो है वो ग्रिड भी हमारी फिल हो जाएगी। पहले तो हम सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद फिर हम जो है वो ये करेंगे, तो हम यहाँ पहले सर्च का बटन प्रेस करते हैं। अब मैं किसी भी डेटा को चेंज करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके अब्दुल्ला के डेटा को मैं चेंज करना चाहता हूँ या अनीस को कर लेते हैं, किसी भी कर लेते हैं। तो हमने जैसे अनीस के डेटा को लिया तो हमारे पास जो है वो डेटा वहाँ से आके हमारे टेक बॉक्स में आ जाएगा। अच्छा सॉरी, इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तो वही मैं पहले भी समझा चुका हूँ, ऐसा हो तो फिर हम इफ़ की कंडीशन लगा सकते हैं, जो मैंने पहली वीडियो में जब मैंने रिकॉर्ड फेच करवाया था वहाँ मैंने दिखाया था, तो वो उससे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जिसके अंदर डेट ऑफ बर्थ वो एडमिशन है मैं उसी में ले आता हूँ। अब जैसे सलाउद्दीन पर ले आते हैं और हमने यहाँ पर सर्च किया और मैं सलाउद्दीन के डेटा को लेकर आता हूँ जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी और डेट ऑफ एडमिशन भी है, तो मैं इसके रिकॉर्ड को लेकर आता हूँ, डेटा हमारे पास यहाँ आ गया। अब आने के बाद मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा सलाउद्दीन खान कर देते हैं और यहाँ मैं उसको कर देता हूँ अब्दुल्ला, और डेट ऑफ बर्थ भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं 2008 में ही कर देता हूँ, और डेट ऑफ एडमिशन भी मैं इसको जो है वो आज की डेट दे देता हूँ और कराची पाकिस्तान। अब जब मैं इसको अपडेट कर दूंगा तो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, और जब हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो चुका है, सलाउद्दीन खान हो गया, अब्दुल्ला हो गया, कराची पाकिस्तान हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी आ गया और डेट ऑफ एडमिशन भी आ गया। तो इस तरह से जो है वो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया लिंक टू एसक्यूएल के थ्रू। इसी तरह से अगर हम डिलीट भी करना चाहते हैं तो सेम वही चीज़ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो डिलीट का एक मेथड होता है, हम उसको यूज़ करेंगे। बटन बना लेते हैं, अब डिलीट के लिए भी वही करना है, हमें एंटिटीज भी चाहिए और साथ में जो है वो हमें वेयर का क्लॉज भी लगाना है, तो यही कोड हमारा रिपीट हो जाएगा और मुझे आर नंबर के हिसाब से ही डिलीट करना है, तो ये कर लेंगे। अब इसके बाद हमें कोई वैल्यू क्रॉस तो करनी नहीं है, तो हमें सिर्फ डिलीट ही करना है, तो हमें डिलीट का एक मेथड प्रोवाइड करता है लिंक टू एसक्यूएल, जिस जो हम HTML स्टूडेंट्स के थ्रू लेंगे यानी लेयर के थ्रू लेंगे, जो हमें मेथड प्रोवाइड करेगा और वो मेथड है डिलीट ऑन सबमिट के नाम से, और इसके आर्गूमेंट पे हमें एंटिटी का ऑब्जेक्ट मांगेगा और हमने एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ टी, वो हमने उसको क्रॉस कर दिया। फिर सबमिट करने के लिए यानी कमिट करने के लिए हमने कहा एस डॉट सबमिट चेंजेस का मेथड से उसको कमिट कर दिया और फिर हमने मैसेज पास कर दिया। साथ में हमने ग्रिड को फिल करा दिया। तो अब मैं किसी भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करूँगा, तो जैसे मैं कोई भी रिकॉर्ड चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल ये मुझे रिकॉर्ड चाहिए, मैं यहाँ पे सर्च करेंगे पहले और सर्च करके कोई भी रिकॉर्ड ले लिया, जैसे हमने यहाँ पे सलीम का रिकॉर्ड ले लिया, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। आने के बाद आपने सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, तो आपके पास जो है रिकॉर्ड जो है वो सलीम का यहाँ से आके डिलीट हो गया। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग जो है वो आसानी से डिलीट क्या कर लेते हैं। दोबारा मैं कोड समझा देता हूँ, अपडेट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, वहाँ पे हमें देख के दो काम करना है। एक तो ये करना है कि हमें वेयर का क्लाउज भी लगाना है, तो वेयर का क्लाउज तो हमने पहले पढ़ा, हम इसके थ्रू भी लगा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें वेयर का क्लाउज भी लगाना है और साथ में अपनी एंटिटीज़ को भी मैच करवाना है। जहाँ से मैं वैल्यू क्रॉस करूँगा तो यहाँ पे एंटिटीज़ को मैच करने के लिए हमने स्टूडेंट की क्लास लेके उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तो समझ लीजिए हमारे एंटिटीज़ का ऑब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद यहाँ इस एक्शन के ज़रिए से मैंने वेयर का क्लाउज लगा दिया। फिर इसके थ्रू हमने जो है अपने कंट्रोल्स बताए,
आप एंटिटीज़ के अंदर जो प्रॉपर्टी मेथड बने हुए थे उनको इसमें गेटो सेट लगा हुआ है उसको मैं यहाँ पे वैल्यू दूंगा और अपने कंट्रोल से वैल्यू उस उनको पास करेंगे वन बाई वन करके हमने तमाम प्रॉपर्टी मेथड उसको वैल्यू दे दी अपने कंट्रोल से। अब हमें लिंक टू एसक्यूएल कोई भी मेथड नहीं देता, वो सिर्फ एक हमें हायरार्की एक लॉजिक समझा प्रोवाइड करता है कि आपने सिंपल यहाँ पे आके सबमिट चेंजेस कर देनी है। तो चूँकि यहाँ मैं फ़िल्टर कर चुका हूँ और अपनी कंडीशन भी बता चुका हूँ तो दैन किससे मैच करवाना है वो भी बता चुका हूँ, तो डायरेक्टली जो है वो सबमिट चेंजेस यहाँ पे सबमिट कर देगा। और इसके बाद हमने जो है वो डिलीट करने के लिए भी हमने यही काम किया, लेकिन चूँकि हमें किसी कंट्रोल से वैल्यू तो देनी नहीं है तो उसे हमें क्रॉसिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर हमें इस एक्शन की ज़रूरत नहीं है और हमें मेथड मिलता है डिलीट ऑन सबमिट का, वो डिलीट कर देगा और उसके बाद हमने इसको अपडेट कर दिया और यहाँ पर हमें डेटा शो हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है वो बड़ी आसानी से काम हो जाता है। और नॉर्मली जैसे हम कभी भी काम करते हैं तो ग्रिड वगैरह हम बॉटम में दे देते हैं क्योंकि रिकॉर्ड सेव हो रहा था वो शो हो रहा है, तो ये मैंने पहले बनाया था तो उसको मैं ले जाता हूँ टॉप पे और इसको मैं बॉटम पे ले आता हूँ। तो बड़ी आसानी से इसे जो है वो हमें अगर एक तो एडियो भी है और जिसके थ्रू भी हम जो है वो काम कर लेते हैं, लेकिन अगर एडियो में किसी को मुश्किल लगती हो काम करना मुश्किल लगे क्योंकि वहाँ भी क्यूरीज याद करने पड़ते हैं और फिर क्लासेस याद करनी पड़ती हैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर वो हमें याद रखना पड़ता है, तो फिर लिंक उन लोगों के लिए आसान हो जाता है आसानी से काम कर लेते हैं। लिंक में बस एक ड्रॉबैक है वो ये है कि लिंक से वो सिर्फ एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है, इसके अलावा किसी और डेटाबेस इंजन के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास MySQL का डेटाबेस है या ओरेकल है या कोई और डेटाबेस है तो देन वहाँ पर लिंक नहीं चलेगा, फिर वो उस सिनेरियो में भी हमारे पास लिंक टू एंटिटीज़ आता है। तो मैं बात की ट्रेनिंग में लिंक टू एंटिटीज़ पे भी समझाऊंगा जिसमें हम हर तरह के डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक का सिंटैक्स यूज़ होता है लेकिन उसके फंक्शन मेथड डिफरेंट है, सिर्फ और सिर्फ मेथड के नामों का फ़र्क है, बाकी हायरार्की वही है। तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं वो भी कराऊंगा। तो एक चीज़ हमारी रह गई लॉगिन, हमें लॉगिन करना है तो इसको आप देखें इसको स्टडी करें, इसके बाद की रिकॉर्डिंग में मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ और वो हमें लॉगिन का काम कर देते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें।